दोस्तों टाटा की नेक्सॉन एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली एसयूवी कार है। इसके अलावा टाटा की हैरियर, इसकी पोजीशन मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी के ऊपर है। तो यहाँ पर टाटा के पास मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी कार नहीं थी, तो बहुत जल्दी टाटा कंपनी ये पोजीशन फिलअप करने के लिए एक ब्लैकबर्ड नाम की कार इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च करने के लिए तैयार है। और ये एक 5 सीटर मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी कार रहने वाली है, तो इसका सीधा मुकाबला रहेगा हुंडई की क्रेटा के साथ। इसके अलावा सेल्टोस, टाइगुन, कुशक और एमजी की एस्टर, इन कारों के साथ इसका तगड़ा मुकाबला रहने वाला है। तो यहाँ पर अब इस सेगमेंट में टाटा कंपनी इस कार को लॉन्च करेगी। पहले क्रेटा और सेल्टोस ने इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है, तो यहाँ पर अब और ज्यादा कंपटीशन टफ होने वाली है। वहीं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात को तो टाटा कंपनी इस कार के अंदर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दे सकती है। इसके अलावा इसके अंदर 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ टाटा कंपनी ब्लैकबर्ड को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। अगर मैं टाटा ब्लैकबर्ड के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं, तो इसका जो एक्सटीरियर डिजाइन रहेगा वो कंप्लीटली चेंज रहेगा, यानी इसको नए प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया जाएगा। तो डेफिनेटली इसका एक्सटीरियर में बहुत सारे नए एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि न्यू डिजाइन एलईडी डीआरएल का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। एलईडी हेडलाइट का सेटअप भी कंपनी इसके फ्रंट में प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एलईडी फॉग लैंप का सेटअप भी आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके फ्रंट में न्यू डिजाइन ग्रिल्स का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरह से हैरियर और सफारी के अंदर ग्रिल्स का सेटअप आपने देखा होगा, शायद उसके मुकाबले डिफरेंट ग्रिल कंपनी ब्लैकबर्ड के अंदर दे सकती है। इसके अलावा इसके फ्रंट के और इसके रियर के बंपर्स को कंपनी थोड़ा सा स्पोर्टियर रखने की कोशिश करेगी, जिसके ऊपर सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साइड प्रोफाइल की बात करो, साइड से दिखने में ब्लैकबर्ड बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। इसके अंदर कंपनी ड्यूल टोन अलॉय व्हील भी प्रोवाइड करेगी। साइड क्लाइडिंग का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। रूफ रेल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसके रियर फीचर की बात करूं, तो इसके रियर में आपको एलईडी टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा रूफ माउंटेड स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना, रियर वाइपर जैसे जबरदस्त फीचर्स इसके रियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं, तो इसका जो एक्सटीरियर डिजाइन रहने वाला है वो काफी हद तक जबरदस्त रहने वाला है। अगर इसके इंटीरियर फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑल न्यू 2021 ब्लैकबर्ड के इंटीरियर में आपको काफी हद तक नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसका जो इंटीरियर का डिजाइन और इसका इंटीरियर का थीम रहने वाला है वो कंप्लीटली न्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ड्यूल टोन कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। और एंटरटेनमेंट के लिए कंपनी इसके अंदर बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है। शायद इसके अंदर सफारी और हैरियर वाला ही 8.8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज किया जाएगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको लेदर के सीट्स और लेदर की अपोस्टी का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल भी कंपनी इसके अंदर कर सकती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल भी कंपनी इसके इंटीरियर में कर सकती है। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स ऑल न्यू 2021 ब्लैकबर्ड इस 5 सीटर मिड साइज क्रॉसओवर एसयूवी कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ब्लैकबर्ड को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी, यानी रिवील करेगी, उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत इंडियन मार्केट में 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल के एक्सशोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 15 लाख रुपए तक चला जा सकता है। ये एक्सशोरूम प्राइस मैंने आपको बताई है। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा।